Hey, awesome people, welcome to yet another video from Indian Man's Guide. As you know, my name is Gaurav, this is Indian Man's Guide and you are crazily khatarnak. So, this video is a continued part which we have last part done on oily skin, skin care routine. So, today I will tell you some tips which will be very important for you oily skin and keep your skin focused. So, without time waste, let's start this video again. Until then, you can subscribe to the channel. You know, you have to like the video. If you like this style, please tell me in the comments how you feel. तो गाइस मैं आपको फिर से एक बार ही बता देता हूं कि ऑयली स्किन में सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से हमें सीबम ऑयल हमारे फेस पर बहुत ज्यादा आता है. तो हमारा मेन एम होता है कि सीबम ऑयल की प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, कि वो ज्यादा सीबम ऑयल हमारे फेस पर ज्यादा ना आए. तो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे हमारी सारी टिप्स आज की. सो टिप नंबर 1 इज डोंट ओवरडू फेस वॉश और स्क्रबिंग. गाइस ये गलती सब ऑयली स्किन वाले मोस्टली करते हैं कि जैसे आपके फेस पे ऑयल आता है तो आप क्या करते हैं कि आप फेस वॉश कर लेते हैं, क्योंकि उससे वो आपको लगता है क्लीन हो जाएगा. बट उससे क्या होता है कि सेबेशियस ग्लैंड को ऐसा आपकी स्किन को लगता है कि कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, तो वो बार बार और सीबम ऑयल प्रोड्यूस करता है इसी वजह से, ताकि स्किन ड्राई ना फील करे. तो फेस वॉश और फेस स्क्रबिंग में दोनों यही चीज़ होती है कि आप बार बार अगर करेंगे तो वो ऑयल और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. तो वो फेस वॉश आप दिन में 2 बार ही सुबह और रात को कर सकते हैं, और फेस स्क्रब आप 2 से 3 बार ही कर सकते हैं अपने पूरे वीक. सो टिप नंबर 2 इज़ यूज़ ब्लॉटिंग पेपर. भाई अब आप पूछेंगे कि जो हमारे फेस पर एक्स्ट्रा ऑयल आता है जब हम बाहर होते हैं तो हम क्या करें. तो गाइज आई विल सजेस्ट यू यूज़ ब्लॉटिंग पेपर. जो नहीं जानते कि ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, वो सिर्फ एक शीट की तरह होता है, टिश्यू पेपर की तरह. आप उसको जहाँ पे जिस एरिया पर लगाते हैं वो सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा उस एरिया से. आप मार्केट से बाई कर सकते हैं, या ऑयल एब्जॉर्बिंग शीट्स के नाम से भी आपको मिलता है मार्केट में, ऑनलाइन मिल जाएगा. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से बाई कर सकते हैं. वरना जो लोग चाहते हैं कि वो इस चीज़ पे पैसे ना बर्बाद करें, तो वो सस्ता जुगाड़ कर सकते हैं टिश्यू पेपर में. मैं बताता हूँ कैसे बनेंगे ब्लॉटिंग पेपर. तो भाई ब्लॉटिंग पेपर का सस्ता जुगाड़ बनाने के लिए हम ऐसा कोई टिश्यू पेपर लेंगे, आपको ईजिली मिल जाएगा मार्केट. इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसको सीजर से आप ऐसे ऐसे काट देंगे. हम इन सारी शीट्स को अपने वॉलेट में इजीली डाल सकते हैं. और जब तो बाहर जब भी आपको अपना फेस ऑयली लगे तो यार टिश्यू पेपर निकालो, अपने फेस पे लगाओ और फेंक दो. गाइस जैसा मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑयली स्किन वालों के पोर्स ज़्यादा बड़े होते हैं, तो हमें ऑब्वियसली उन्हें श्रिंक करना है, थोड़ा साइज़ में छोटा करना है, ताकि उनमें ऑयल कम एक्सक्रीट हो. तो ऐसा करने के लिए हम एक हफ्ते में एक बार ही फेस पैक ज़रूर यूज़ करेंगे. फेस पैक क्ले बेस्ड होना चाहिए ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि जब वो क्ले बेस्ड फॉर्मूला होगा तो वो सारा ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेगा आपके फेस से. आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा, वरना आप घर पे भी इसको बना सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा होममेड फेस पैक कैसे बनाना है. टिप नंबर 4 इज अप्लाइंग आइस एट नाइट. जैसा अभी लास्ट टाइम हमने देखा फेस पैक से क्या करना है, हमें पोर्स को श्रिंक करना है. एवरी नाइट आप फेस वॉश के बाद आइस अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे. उससे क्या होगा कि पोर्स का साइज श्रिंक होगा, एंड जब ब्लड फ्लो होता है आपके फेस पे अलग सा ग्लो आपको जरूर दिखेगा. तो मेक श्योर कि अगर आप अल्टरनेट डेज पे तो एटलीस्ट आइस को अप्लाई कर ही सकते हैं एवरी नाइट सोने से पहले. सो टिप नंबर 5 इज़ यूज़ कोकोनट ऑयल. आई नो ये बहुत वियर्ड लग रहा होगा सुनने में, इसलिए मैंने लास्ट के लिए रखा हुआ था. लास्ट टिप ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है. जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हमें सेबेशियस ग्लैंड को कंट्रोल करना है, तो एक्चुअली एक ट्रिक होती है कि हम सेबेशियस ग्लैंड को पागल बना देते हैं एक तरीके से, कि हमारे फेस पे सफिशिएंट ऑयल है तो और प्रोडक्शन की नीड नहीं है. तो इस ट्रिक को करने के लिए आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेंगे और उसे अपने फेस पे लगाएंगे सोने से पहले रात को ओवरनाइट. उससे क्या होगा कि आपके स्किन को ऐसा लगेगा कि आपके फेस पे सफिशिएंट ऑयल है और वो ऑयल और सीबम ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेगा. तो ये बहुत वियर्ड और बहुत अजीब ट्रिक है, बट ये ज़रूर काम करती है. तो मेक श्योर कि आप ये ट्रिक एक हफ्ते में एक बार ही तो करके देखें, आई एम श्योर आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डालूंगा कोकोनट ऑयल के भी, भाई वहाँ से बाय कर लेना, वरना मार्केट से कोई भी कोकोनट ऑयल बाय करके आप लगा सकते हैं. तो गाइज अगर आप एक अच्छा मेन स्किन केयर रूटीन और आज वाली टिप सारी फॉलो करते हैं, तो आई गारंटी यू कि आप अपनी ऑयली स्किन को हमेशा के लिए कह देंगे बाय बाय. भाई देखो मैंने टिप्स बता दी हैं, अगर इनमें से एक भी टिप अच्छी लगी है तो भाई अपने तक मत रखना, ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करो यार इस वीडियो को. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन साइनिंग ऑफ, कीप वर्किंग हार्ड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू. बाय.